हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथविंड। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, वेरीफाई वीदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। स्टूडेंट, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें जीरो दिए हुए हैं, उनको वेरीफाई करना है कि ये दिए हुए पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा है पी एक्स इज्क्वल टू 3x प्लस 1, इसका जीरो है x इज्क्वल टू -1/3, जो कि हमको वेरीफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे x इज्क्वल टू -1/3। अब ये वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो जब पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा p -1/3 इज्क्वल टू 3, x की प्लेस पे हम लिख देंगे -1/3 प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर मिलेगा 1 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, प्लस 1 पहले से दिया हुआ है, प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा 0। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको जो p -1/3 मिला है, ये मिला है 0। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमको x की जगह पे -1/3 पुट करने पर वैल्यू 0 फाइंड हुई है। तो हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल्स का 0 -1/3 होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज 0। तो यहाँ पे -1/3 जो होगा वो इसका 0 हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में लिखा है पी एक्स इज्क्वल टू 5x-π। और यहाँ पर हमको x की जगह पे जो वैल्यू दिया है वो दिया 4/5। हमको ये सत्यापित करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये 4/5 इस पॉलिनोमियल्स का 0 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम x की जगह पे पुट कर देंगे x इज्क्वल टू 4/5। तो यहाँ पर हमको जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मिलेगी पी 4/5 इज्क्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे x की जगह पर हम 4/5 पुट कर देंगे, 4/5 -π। और यहाँ पर 5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, पी 4/5 इज्क्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 4 + 4 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 -π। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको वैल्यू जो मिली है इस पॉलिनोमियल्स की, वो 0 नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर 4 - π आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ नॉट 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर इट इज़ नॉट 0 लिख दिया हमने, और सेकेंड पार्ट था वो यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में लिखा है पी एक्स इज्क्वल टू 2x²-1, और इसका 0 जो हमको वेरीफाई करना है वह है x²-1, -1। तो यहाँ पर दोनों 0 को हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पर सोल्यूशन लिखिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लिखते हैं पुट x इज्क्वल टू 1। तो यहाँ पर हम x की प्लेस में 1 को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मिलेगी p 1 इज्क्वल टू x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1² उसके बाद में -1। तो p 1 की जो वैल्यू मिलेगी हमको, 1² स्टूडेंट होता है 1, -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा 0। इसी तरीके से स्टूडेंट, अब हम x की जगह पे -1 को पुट कर देंगे, पुट x इज्क्वल टू -1, तो हमको p -1 मिल जाएगा, -1² -1। अब स्टूडेंट देखिए, पी माइनस वन बराबर हो जाएगा, -1² होता है +1 और -1, दोनों कैंसिल होने के बाद ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको दोनों वैल्यू 0 मिल गई हैं। तो हम कह सकते हैं 1 और -1 दोनों ही इस पॉलिनोमियल्स के 0 हैं, और यही हम इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स इज्क्वल टू 1, -1 आर ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा है स्टूडेंट पी एक्स इज्क्वल टू 2x + 1, x-2। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमको जो 0 वेरीफाई करना है, इसमें भी 2 0 है, एक है -1 और दूसरा है 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्यूशन पुट x इज्क्वल टू -1। तो यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो हमको मिलेगा p -1 इज्क्वल टू, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा
माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पर x की जगह पर माइनस वन रख दीजिए, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस वन और प्लस वन। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस वन माइनस टू। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो इंटू माइनस थ्री। अब स्टूडेंट देखिए, ज़ीरो की हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको ज़ीरो मिल जाएगा। तो हमको जो वैल्यू मिली है पी माइनस वन की, ये हमको ज़ीरो मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि माइनस वन इसका जो ज़ीरो है। अब देखिए एक्स की जगह पर हम टू पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद में हमको पी टू मिलेगा। यहाँ पे पहले ब्रैकेट में हम लिख देंगे टू प्लस वन, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा टू माइनस टू, और ये दोनों कट जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो टू वन थ्री हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, थ्री इंटू ज़ीरो, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ज़ीरो मिल जाएगी वैल्यू। तो पी टू इक्वल टू भी ज़ीरो हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस वन एंड टू ये दोनों ही इस पॉलीनोमियल्स के ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड टू आर ज़ीरोज़। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दीजिए ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलीनोमियल्स। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में है एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमको मिलेगा पी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर, क्योंकि एक्स के यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो मिलेगा ज़ीरो का स्क्वायर। तो पी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर ज़ीरो। तो यहाँ पर पॉलीनोमियल्स हमें जो मिल गया है उसकी वैल्यू आई है ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो इस पॉलीनोमियल्स का ज़ीरो है, तो इट इज़ ज़ीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट सिक्स नंबर क्वेश्चन में है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। यहाँ पर x की जो वैल्यू दी है x इक्वल टू माइनस एम बाई एल, ये हमको ज़ीरो प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल, ये हम पॉलीनोमियल में पुट कर देंगे। तो हमको पॉलीनोमियल्स मिलेगा पी माइनस एम बाई एल इक्वल टू, एल को ऐसे लिख देंगे एज इट इज़, और यहाँ पर एक्स के यहाँ पर माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल प्लस एम। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एल और एल कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमको पी माइनस एम बाई एल की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पे एल कैंसिल होने के बाद माइनस एम हो जाएगा केवल, यहाँ पे माइनस एम प्लस एम, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा ज़ीरो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ज़ीरो आ गया है, तो हम कह सकते हैं माइनस एम बाई एल ये ज़ीरो है। तो यहाँ पर लिख दीजिए इट इज़ ज़ीरो। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन जो था वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेवन्थ पार्ट में स्टूडेंट लिखा है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लीजिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री। तो जब माइनस वन बाय रूट थ्री पुट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा पी माइनस वन बाय रूट थ्री इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, थ्री को एज इट इज लिख देंगे ऐसे, उसके बाद एक्स की प्लेस में लिख देंगे माइनस वन बाय रूट थ्री होल स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थ्री को आप ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और वन का स्क्वायर होता है वन, तो यहाँ पर वन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा थ्री, क्योंकि रूट के नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है माइनस वन, थ्री यहाँ पर स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पी माइनस वन बाय रूट थ्री लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमको पॉलीनोमियल की वैल्यू मिलेगी पी माइनस वन बाय रूट थ्री इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए वन वन जा वन हो जाएगा और माइनस वन, और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो पी माइनस वन बाय रूट थ्री इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, माइनस वन बाय रूट थ्री को पुट करने पर हमको वैल्यू ज़ीरो मिल गई है। तो हम कह सकते हैं माइनस वन बाय रूट थ्री इस पॉलीनोमियल्स का ज़ीरो है।
अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये तो हमको जीरो मिल गया। इसके बाद में जो सेकेंड वैल्यू दी है एक्स इक्वल टू 2/√3, अब हम उसको चेक करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि ये जीरो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट एक्स इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ पर जो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा पी 2/√3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पी 2/√3 इक्वल टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा एज इट इज़, इनटू यहाँ पे लिख दिया 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा डिवाइड में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 और 3 स्टूडेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा पी 2√3। तो पी ऑफ 2√3 इसकी जो वैल्यू हमको मिलेगी 4 × 4 − 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लास्ट में हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 0, 0 नहीं स्टूडेंट यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 से 1 को माइनस करने पर हमको 3 मिल रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जब ने वेरीफाई किया तो एक्स इक्वल टू −1/√3 तो 0 आ रहा है, लेकिन 2/√3 0 नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्स इक्वल टू −1/√3 इज 0, बट एक्स इक्वल टू 2/√3 इज़ नॉट 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जो सेवेंथ पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट एट पार्ट पे है पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, एक्स की जो वैल्यू दी है यहाँ पे 1/2, ये हमको वेरीफाई करना है कि 1/2 इस पॉलीनोमियल्स का 0 है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुट एक्स इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पर एक्स की यहाँ पर 1/2 पुट करने पर आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी 1/2 इक्वल टू 2 × 1/2 + 1। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1 × 1 + 1। तो पी 1/2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 2, तो लिख दीजिए आप पी 1/2 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट ज़ीरो। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसके 8 पार्ट थे, यहाँ पे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब अच्छे से इसकी रिविज़न कर लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 7 पार्ट हैं, सभी पार्ट में हमको इन पॉलिनोमियल्स की 0 जो होते हैं 0 को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर हम 0 को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका है पी एक्स इक्वल टू 1/+5। तो स्टूडेंट देखिए अब हम किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर 0 निकालते हैं तो सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल में मान लेते हैं। जब उसको इक्वल में लिख लेते हैं उसके बाद में हमको जो एक्स की वैल्यू मिलती है उसी को हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स का 0 है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टूडेंट सोल्यूशन x + 5 = 0। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 को हम जब ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = −5। ये जो हमको वैल्यू मिली है स्टूडेंट इसी को कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके जो फर्स्ट पार्ट था उसका जो 0 आया है स्टूडेंट वो −5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 = −5। इसके बाद देखिए स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, इसमें लिखा है पी एक्स इक्वल टू 1/-5। तो सेम हम इसी तरीके से करेंगे, इसमें भी सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप जो x − 5 दिया है इसको हम 0 के इक्वल में लिख लेते हैं x − 5 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी हमको 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट 5 आ गया, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे जो 0 होगा इसका 5 हो जाएगा, तो 0 = 5। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट में पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। तो सेम जिस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया वैसे ही करेंगे, इसको 2x + 5 = 2 लिख लेते हैं यहाँ पे 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2x = −5, 5 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर
लेफ्ट से राइट में कोई भी वैल्यू जाती है तो उसका निशान चेंज हो जाता है। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाइव डिवाइड में टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, अब ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका जो स्टूडेंट ज़ीरो आया है वो है माइनस फाइव बाई टू। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं ज़ीरो इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था वो भी कम्प्लीट हो गया है माइनस फाइव। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट लिखा है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको भी करना है स्टूडेंट, इस पूरे पॉलीनोमियल को हमें जीरो के बराबर में लिख लेना है। तो सोल्यूशन हमारा तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर थ्री एक्स की वैल्यू मिल जाएगी प्लस में टू, क्योंकि जब टू को राइट साइड में ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू टू डिवाइड बाई थ्री। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देंगे ज़ीरो इक्वल टू टू बाई थ्री। इस तरीके से इसका फोर्थ पार्ट भी स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट लिखा है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन, और यहाँ पे जो पॉलीनोमियल दिया है थ्री एक्स इसको हम लिख लेते हैं ज़ीरो। तो यहाँ पे आप थ्री एक्स लिख दिया स्टूडेंट, थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी ज़ीरो डिवाइड बाई थ्री, यहाँ पे थ्री डिवाइड में हो जाएगा। तो किसी भी नंबर में जब ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके से इसका जो ज़ीरो हो जाएगा वो ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टूडेंट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जो फिफ्थ पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सिक्स पार्ट में क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और आगे लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ भी आएगी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि इस पॉलीनोमियल में हमको ए की जगह पर ज़ीरो नहीं मिलेगा, ए की वैल्यू कोई भी ज़ीरो नहीं आएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट जिस तरीके से हमने फिफ्थ नंबर सॉल्व किया है उसको भी इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो डिवाइड बाई ए। अब देखिए स्टूडेंट जिस तरीके से आपने पहले बताया था कि ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर हो उसकी जो वैल्यू मिलती है हमको वो ज़ीरो ही मिलती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर भी हमारा जो ज़ीरो आया है वो ज़ीरो ही आया, तो लिख देंगे ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारा जो फिफ्थ नंबर है और सिक्स नंबर क्वेश्चन है दोनों ही सेम है, दोनों का आंसर ज़ीरो आ रहा है, और देखने में दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही लग रहे हैं। उसमें थ्री एक्स लिखा था और इसमें ए एक्स लिखा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसमें जो ज़ीरो आता है स्टूडेंट वो ज़ीरो ही आता है, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो पूरा पॉलीनोमियल्स क्या हो जाता है ज़ीरो हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखिए स्टूडेंट सेवन पार्ट। सेवन पार्ट में लिखा है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे लिखा है सी एंड डी आर रियल नंबर। तो सेम हम इसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो लिख लेंगे हम सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो लिखने के बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सी एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस डी, क्योंकि डी पॉजिटिव है, जब राइट साइड में जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस डी डिवाइड बाई सी। तो x की वैल्यू इस तरीके से हमको मिल गया है माइनस डी बाई सी। तो यही हमारे पॉलीनोमियल्स का स्टूडेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं ज़ीरो इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई सी। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फोर था उसमें सेवन्थ पार्ट थे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट लेकर स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।